घाटे का धंधा हो गया है किसानों का, क्योंकि किसान जो खेती करते हैं उसे खेती का आधार क्या है? उनकी खेती का आधार है धरणी। धरणी का आधार लेकर के काम करते हैं और जो अवतार दिखाए गए हैं उनमें भी दो ही अवतार रहते हैं जो धरणी का आधार लेते हैं। कौन कौन से? राम और कृष्ण, और बाकी सब, बाकी जितने भी जानवरों के अवतार हैं वो सब ज्ञान का आधार लेकर चलते हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं है, सब निवृत्ति मार्ग वाले। यहाँ भी है कि सच्चे सच्चे किसान है और धरणी का आधार लेकर के चल रहे हैं। धरणी का आधार लेना माना बच्चा किसका आधार ले जाए? माँ का आधार लेता। तो ऐसे ब्राह्मणों में कुछ किसान होंगे कि नहीं जो कन्या माताओं को बाप का बना देते, अपना नहीं समझते, बाप की शक्तियां हम उनके बच्चे हैं। ये प्रवृत्ति संसार में अभी अनुकूल रही है या घाटे में जा रही है? घाटे में जा रही है, क्योंकि दुनिया का वातावरण अभी ऐसा नहीं है। ऊपर ऊपर से ढोल पीटते रहते हैं, हम कन्या माताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन देखा जाए अंदर, चाहे वो ब्रह्मा कुमारियां हो, चाहे वो एडवांस पार्टी हो, चाहे वो दुनिया की राजाई करने वाले लोग हो, सिर्फ देखने के लिए कन्या माताएं आगे हैं, बाकी सारी शासन सत्ता पुरुषों के हाथ में है या स्त्रियों के हाथ में? पुरुषों के हाथ में। वो तो सच्चे किसान है ही नहीं बेहद। आत्माओं का मनुष्य आत्माओं का बाप है, जानवर आत्माओं का बाप क्यों नहीं है? क्योंकि जो बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है या बुद्धुओं की बुद्धि है? आप नहीं बोलिए, बुद्धिमानों की बुद्धि है। और बुद्धिमान मनुष्य होते हैं या जानवर होते हैं? मनुष्य होते हैं बुद्धिमान। मनुष्यों के अलावा कोई जानवर इतना बुद्धिमान नहीं होता है। इसलिए पहले तो शिव बाप किसका बाप है? मनुष्यों का बाप। जानवरों का बाप है कि नहीं? जानवरों का भी बाप है, लेकिन जितनी भी चौरासी लाख योनियां है बना दिया। बहुत अच्छा ज्ञान आपने दिया। बना दिया कि बने बनाए? बना दिया या बने बनाए? बनाए ये सच्ची अनादि है। अनादि का मतलब क्या? अनादि का मतलब ये बनी बनाई है, ये बनाई है, ये वकालत हो गई है। क्या युक्ति वाद हो गई है? क्या ये युक्ति वाद हो रहा है? बनी बनाई बनती कैसी है? माने शिव बाबा झूठ बोलता है, युक्ति वाद है। इसका मतलब शिव बाबा झूठ बोलता है, मुरली होता है, असल बात मालूम होगा। तो असल जो मुरली में बात आई है, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा जी जो महावाक्य है मुरली में, वो झूठे है। हम झूठे नहीं कहा, अरे आप कह रहे हैं, खोज कर रहे हैं, ये बनाई कैसी है, ये खोज कर रहे हैं, ब्रह्मा के मुख से बोला हुआ है। मालूम देना ये कोई गुनेगारी नहीं है, मालूम ही दे रहे हैं। ये मतलब क्या दे रही है? खाली बनी बनी है, कैसी बनी है? मालूम होना जरूरी है, ऐसे बनी है, ये मालूम होना जरूरी है। जब शूटिंग पीरियड होता है तो बुद्धि की ही बलिहारी है। क्या बुद्धि हजार कियामत कही जाती है? कहते हैं हमें
हजार नियामत कहते हैं, बच्चा जब से जन्म लेता है तो सब बच्चों की बुद्धि अपने अपने प्रकार की है। पूर्व जन्मों के हिसाब किताब से इस जन्म में बुद्धि मिलती है सबको। ये बुद्धि का वरदान बच्चों ने अपने आप बनाया या शिव बाबा ने उनको दिया? बच्चों ने बनाया, ऐसे जानवरों ने भी अपना बनाया। जानवरों को पूर्व जन्म नहीं हुए क्या? हुए। कोई जानवर देखने में आते हैं बहुत स्वभाव संस्कार अच्छा होता है। कोई बंदर देखो, बंदर कोई कोई ऐसे होते हैं बड़े हट्टे कट्टे मोटे काटे, कभी किसी को दुख नहीं देंगे। जानवरों में भी सब तरह के होते हैं, तो उन्होंने पूर्व जन्म में दूसरों को दुख नहीं दिया है, तो जन्म में भी हट्टे कट्टे हैं, उन्हें स्वतः ही सब कुछ करके चुकी मिल जाता है। ऐसे ही मनुष्य भी, तो ये कहा जा सकता है कि संगम युग में ही सब अपना अपना कमाते हैं, अपना अपना खाते हैं। चारों युगों में जो कुछ प्राप्ति होती है, चाहे वो मनुष्य आत्माएं हो चाहे वो जानवरों की आत्माएं हो, इस समय संगम युग में ही सब कुछ अपना अपना हिस्सा लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पिता है, बाप जो है, सर्व आत्माओं का बाप है, तो ये जानवर बनने की समझने की बात है। भेद नीति क्यों करे? समझने की बात है। भेद नीति क्यों करे? कि भारतीय परंपरा में खास ये समझदार लोग होते हैं और हुए हैं समाज में भी, कि राजाई बड़े बच्चे को दी है या छोटे बच्चों को दी है? बड़े बच्चों को दी है। तो जानवरों की जो आत्माएं हैं, मनुष्यों की, पशु पक्षियों की जो भी आत्माएं हैं, उनमें बड़ी आत्मा जिनको कहेंगे, जो ज्यादा समझदार है उनको ही तो बड़ा कहेंगे। तो मनुष्य की जाति जो है वो सबसे बड़ी है। इसलिए पहले जो बुद्धिमान नर है, बुद्धिमान नर अर्जुन बाप को पहचानने वाले हैं, वो ज्यादा प्राप्त करते हैं। जानवरों की बात ही छोड़ दो, और जो दूसरे धर्मों की जो आत्माएं हैं वो भी कम प्राप्ति करती है। उनकी हम वकालत क्यों नहीं करते? जानवरों की वकालत क्यों करना शुरू कर दी? पहले तो अपनी जाति का देखना चाहिए ना। मनुष्य एक जाति है, उस मनुष्य जाति में भी कोई ऊंचे कोई नीचे की स्थिति आती है, कोई 84 से मिलने वाली आत्माएं हैं और कोई एक दो जन्म लेने वाली है कीड़े मकोड़े जैसी है। तो जो मनुष्य योनि में ही एक दो जन्म कीड़े मकोड़े जैसे आते हैं और चले जाते हैं, हम उनकी वकालत क्यों नहीं पहले करते? वकालत का सवाल नहीं है। बताओ। हाँ, जो सवाल है, ये तो जानवर जो है ये दामा में आके है या नहीं आते? दिखाई नहीं पड़ते हैं क्या? नहीं, अगर दामा में आके है तो ये नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो सत्यु से केवल जी जन्म लेंगे। वो ये पहले सुधरेंगे जानवर या पहले मनुष्य सुधरेंगे? वो देखना है कौन सुधरते क्या नहीं। दामा में वो जानवर है ना, सारी बुद्धि की बात है ना, बुद्धि की बात है ना। मनुष्यों में ज्यादा बुद्धि है या जानवरों में ज्यादा बुद्धि? वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जी जन्मों में जो जानवर है उनका पाठ क्या है? वो पाठ धारी है क्या उनका? हाँ, वो भी पाठ धारी है। वो भी पाठ धारी है जी। उनका क्या पाठ है? उनका यही पाठ है। क्या पाठ है? कि मनुष्यों के अधीन होकर के रहे। अपने अपने कर्मों में फैसला किया है, कपाया कहना है जो है शुरुआत जो है शुरुआत में तो बात करेगा माँ बाप करेगा। अभी संगम में खुला हुआ संगम युग में खुला हुआ मैदान है, जानवर आकर के ज्ञान क्यों नहीं ले रहे? उन्हें मना है क्या? जानवरों को मिलिट्री में भर्ती किया जा रहा है, बंदूक चला रहे हैं, यहाँ नहीं आता कि ले सकते ज्ञान? ये बात नहीं है। अब जो मनुष्य जैसा भगवान आता है तो सबके लिए खुला रास्ता है या किसी का रास्ता बंद कर दिया? खुला रास्ता है तो जानवर क्यों नहीं आ रहे?
जानवरों की रुचि नहीं है क्या? है जानवरों की रुचि नहीं है? है है लेकिन अंश मात्र है। अंश मात्र कैसे लिए हो? है अंश मात्र कैसे लिए होती है? पूर्ण जन्म का संस्कार पूर्ण जन्म संगम के लिए बन अभी बन रहे अभी जानवर नहीं ले रहे हैं ज्ञान मनुष्य ही ले रहे हैं। जानवर कहाँ ले रहे हैं? कोई जानवर है भाई ज्ञान लेगा? अभी अगर जानवर बात नहीं समझती काम करे तो वो कैसा सुनते? जानवर अभी ज्ञान ले रहे हैं? जानवर को अगर हम कुछ बात एक बात बताइए एडवांस जानवर देखिए से शुरू हुआ आप पंचहत्तर में ही आ गए या अभिव्यक्ति है दो साल के अंदर आए एडवांस में आप पंचहत्तर के तुरंत लो बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। अगर पंचहत्तर के आए तो कहीं रजिस्टर में एडवांस के जितने भी रजिस्टर आज रजिस्टर तैयार हुए होंगे कहीं आपके साइन है आत्मा को मदद नहीं होता कुछ होता ये भी मालूम नहीं है। कागज बता रहे हैं ना भी बता रहे हैं क्या अभी बता रहे हैं कि व्यक्ति की आज बीज रूप आत्माएं कौन है और अंत में आने वाले कौन है अभी बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? बाप बता रहे हैं। बाप शिव है बताइए तू कहाँ है? मैंने आपने आपने नित्य पत्र लिखे दिया कि नहीं? कौन सा नित्य दिया? आपने नित्य पत्र लिखा कि नहीं? लिखे दिया तो पूछ रहे बाप कौन इसने लिखे दिया है? तो नहीं ये इसने लिखे दिया है जो बातें सुनाई गई है उसने लिखे है लेकिन जो बातें हमारे दिमाग को समझे समझ में नहीं आई है उसमें हम अनिश्चय है। तो अभी जो आपने लिखा बाप कौन है? बाप होने ये सूचना अभी आता है ये प्रश्न का है निश्चय का ये जो दिल्ली में भट्टी में जो बोध करा है फरुखाबाद में उसमें हम निश्चय बुद्धि हो गए। निश्चय बुद्धि हो गए आप क्यों हो गए? आप क्यों नहीं हुआ निश्चय बुद्धि? जैसा जैसा ज्ञान बढ़ते गया बुद्धि का सारा खुलते गया बुद्धि सवाल करती रही तो सवाल ये सवाल आ रहा है। क्या सवाल आ रहा है? बुद्धि का कौन है? क्या सवाल आ कौन है यानी ये सवाल आ रहा है क्या बुद्धि का नहीं है? ऐसा कैसा हो सकता? हाँ बताओ तो है लेकिन तू पता है क्या असल में ये मनु अभियत मालूम करना ये गुनहगारी नहीं है? हाँ मनी मन से पिता पूछताछ करना ये गुनहगारी नहीं है? मन से पिता पिता कौन है ये आपको नहीं मालूम? वो अभी कोर्स में बता दिया भट्टी में जो उतना ही मालूम है आगे जब बुद्धि का ताला खुलता है तो समझ में आ जाता है। आपने लिख के नहीं दिया? आपने लिख के दिया कि नहीं? दिया हूँ लेकिन क्यों दिया हूँ? वहाँ जितना पढ़ाया है जितना सुना है उतना पटा है अभी बुद्धि का ताला खुलने के बाद कुछ चीजें ऐसे आ रही है कि जो पटी नहीं है। मैंने बुद्धि का ताला बंद हो गया? बुद्धि का ताला बंद कैसा होगा? खुला है तो ताला खुला बंद कैसा होगा? तो बाप भूल गया कि याद है? बाप याद ही है लेकिन आजकल बाप जो है मालूम ही नहीं हुआ अभी तक मालूम हो रहा है। असल का मतलब समझ में लो। असल का मतलब है असल मुर्गी में क्या बोला है? क्या बोला है? बाबा निराकारी है हिंदू रूप है। अच्छा ठीक है ठीक है निराकारी है हिंदू रूप दो बातें ठीक हो गए। अब बाद में क्या बताया मुर्गी में? अजर है ठीक है हर जन्म ठीक है हर बोलता है ना। अभी ये क्या है पूरे मनुष्य शक्ति का आधार कौन है? शिव बाबा है। बाप है बाबा किसी का आया है? वो बाप है। अच्छा पूरे मुरली में ये पूरा जो अपना अध्यात्म है मनुष्य शक्ति का पूरा जो हिस्सा है अभी सब तो पढ़ा हूँ मैं बेसिक में अभी एडवांस में ये जो कुछ भी समझा दिया हूँ इसमें ये जो शिव बाप है शिव बाप जो है वो बड़ा बाबा इससे अंतर क्या है? शिव बाप शिव बाबा नहीं बोलूँ मैं शिव बाप दोनों में अंतर तो बताया है मुझे। मैं अंतर की बात नहीं बोल रहा हूँ आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए हम ये बात पैदा कर रहे हैं कि शिव बाप और शिव बाबा में अंतर है या नहीं है? अरे है अरे। जब है तो आप शिव बाबा को फॉलो करने वाले हैं
व्यक्ति बाप को फॉलो करते हैं। तू बाबा को भी फॉलो करते हैं, तू बाप को भी फॉलो करते हैं, फॉलो करने का सवाल नहीं है। मैंने दो को फॉलो करते हैं, दोनों एक ही है ना। अच्छा जो बाबा बोलो तो दोनों एक ही है ना, इनको फॉलो करते हैं, पक्का निश्चय भी है। लेकिन बुद्धि का ताला खुलने के बाद कुछ सवाल पैदा हुआ है, उसका जवाब जवाब सवाल करना है तो उसका जवाब मिलना संतुष्ट हो जाना जरूरी है। मेरा सवाल ये है कि तू बाप जो है अभी बताया मुरली में अजर है, अजन्मा है, अभोक्ता है, ये जो बातें है सही है, मान लिए थोड़ी देर की बुद्धि को, मान लिए थोड़ी देर की निश्चय भी निश्चय बुद्धि को थोड़ी देर। देखिए आगे की बात क्या, क्यों बाबा जो है उसको माँ बाप नहीं है, ये तो है ना, क्यों बाप को माँ बाप नहीं है, तो है ना मुझे में सुनो। माँ बाप इसलिए नहीं है क्योंकि वो सबको ज्ञान देने वाला है, उसको ज्ञान देने वाला कोई भी नहीं है। आप अटेंशन मेरा डाइवर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं डाइवर्ट, क्यों बाप जो है उसको माँ बाप है क्या नहीं, मूल्य में क्या हो रहा है, माँ बाप नहीं है। जब माँ बाप का सवाल पैदा होता है तो साकार में पैदा होता है या निराकार में, जवाब दीजिए। माँ और बाप जब दो की बात पैदा होती है तो साकार में होता है या निराकार में, समझने के लिए थोड़ी देर के लिए बाबा को बाजू कर, बाबा को बाजू कर दो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, क्यों बात सारी क्यों वापिस देखो पहले। बाबा आगे करने के बाद कुछ नहीं रह जाता, जो नहीं कुछ रहता है कुछ नहीं रह जाता, ऐसे नहीं रह जाता है, वो बाप है बोले बाबा को अगर अलग कर दिया तो ज्ञान ही खत्म हो गया। जो बाप है ये कहने के बाद यही फायदा होगा कि वो किसी का कोई बच्चा है तो उनको माँ बाप होना बहुत जरूरी है। ये सवाल ऐसा है कि पहले गुर्जी है या पहले अंडा है, ये सवाल है, ये बात है पहले मुर्गी है और पहले अंडा आत्मा भी निराकार है, ये सवाल नहीं है, सवाल वो नहीं है, सवाल क्यों बाबा का चल रहा है, क्यों बाबा को माँ बाप नहीं है। आपके मामूली बात में क्यों बाप, अगर माँ बाप का बच्चा कोई नहीं सकता, बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, बच्चा कैसा हो। बाबा को माँ बाप इसलिए नहीं है कि जो बाबा कहा जाता है साकार में, निराकार साकार में निराकार जो बाबा है वो बाबा को ज्ञान देने वाला कोई भी नहीं है इस दुनिया में साकार। अभी उसको ज्ञान किसी ने साकार में नहीं दिया, उसको माँ बाप है कि नहीं इससे सवाल है। जब साकार बाप को ज्ञान देने वाला हो तो कहेंगे माँ बाप है, उसको ज्ञान देने वाला कोई है तो अगर माँ बाप का बच्चा कैसा हो सकता है, इसीलिए वो सबका बाप है, कैसा हो सकता है ये बताओ। जैसे कलिका का कोई पाप नहीं है, भक्ति बात में मानते हैं तो मानना पड़ेगा ना, स्त्री है पुरुष है, अगर स्त्री पुरुष का बच्चा बन जाए कैसा बन जाए, ऐसे ही बच्चा बन जाए स्कूल बच्चा नहीं पैदा होता है। स्कूल की बात और स्त्री बात दोनों एक ही है, ये तो संकल्प दोनों की एक ही है, स्त्री हो या स्कूल हो, ये तो संकल्पों की जरूरी है, प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेस है, उसमें तो सभी आ जाती है। तो बगैर प्रोसेस का कोई चीज बनती नहीं, कोई भी चीज बनना होगा तो मूल बात एक है। आपकी बात को जितना समझ में आया कि आपने किसी व्यक्तित्व को शिव बाबा अभी तक स्वीकार किया है या नहीं किया है। मेरा जो दिमाग है, आप दिमाग बोलो, विचार बोलो, जानवर की दिमाग बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे दिल में जो बात आई है वो बता देता हूँ, ये बता देता हूँ। मैं एक ही बात मानता हूँ, कौन सा सुपर नेचुरल ह्यूमन बींग, इसके अलावा और कुछ नहीं आता, अब कुछ कहूंगा भी क्योंकि अभी रिसर्च नहीं हुआ है। तो यहाँ इसलिए बैठे यहाँ इसलिए बैठे है, मेरी जिज्ञासा है, खोज है, वो खोज के लिए यहाँ बैठा है, जाकर क्या चल रहा है देखना है, मुझे सही सही क्या है वो भी देखना है, खोज के लिए मैं बैठा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर इससे बुद्धि वाला हूँ या इसके खिलाफ हूँ, ये तो मैं जारी कर रहा हूँ, नागे जाकुबा कर रहा हूँ ना, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ ना, जो जो चीजें मुझे मिलती है वो ले रहा हूँ, और जो चीजें मेरी मिलती है उससे कुछ चीजें नहीं मिलती है वो क्यों नहीं मिलती है, ये हो जाते हैं सवाल करते हैं। पहली चीज हमें जो पानी है वो है बाप मिला या नहीं, सवाल जो था आपको समझ में आया, आपके पास सवाल नहीं है जवाब नहीं, जवाब नहीं है इसलिए तो सवाल कर रहे हैं ना, आपके पास इस बात का जवाब नहीं कि बात नहीं है, जवाब नहीं, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, नीचे कुछ नहीं हुआ ऐसा नहीं है,
बोझ में जब जब टैंकी बोझ में रहता है तो हर एक चीज का नीचे उठ रहता है, जब उसका ये तो जो करता है जब तक सोचने लगता है वो प्रिटेंशन करता है, अज्यूम करता है कि ये अजम है, बाढ़ है कि नहीं ये अजम है, इसका मतलब बाढ़ पे फिट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और निश्चय बुद्धि नहीं होता है, निश्चय बुद्धि के फिट रहते हैं, ये अनिश्चय बुद्धि ये निश्चय बुद्धि के फिट रहते हैं, आगे आगे आदमी चले जाता है अनिश्चय। जब तक अनिश्चय नहीं हुआ जब तक निश्चय बुद्धि नहीं होता, जब तक निश्चय बुद्धि नहीं होता जब तक अनिश्चय नहीं होता, ये दोनों इसका डिपेंडेंट है। इसका मतलब मैं भरोसा नहीं रखता हूँ जो बाबा का ऐसा नहीं होता है, मुझे आगे की कोई चीज समझना बाबा है ही नहीं, तुम बाबा है ही नहीं, मेरे मेरे दृष्टिकोण से क्यों बाबा है ही नहीं, सुपर नेचुरल ह्यूमन बींग इसके अलावा भी नहीं है अभी मेरे दिमाग में हुआ है, लेकिन मैं खोज में हूँ, ये मुरली के खोज में ये देख रहा हूँ कि कोई चीजें ऐसी मिलती है क्या जो मुझे सफर करके आगे दिला है, अगर नहीं मिली तो छोड़ दूंगा, लेकिन मैं मेरा भीतर जारी हूँ जारी को ये जो नहीं हुआ, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला मुझे, मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ। आप डाइवर्ट करते हैं हरदम आइटम, कभी भी बात करें तो आप बोलते हैं जामा है, कभी बात करें तो अनाज है, कभी भी बात करें तो ये मुरली है, ये वराइटी, ये मुरली कौन है, मुरली का आधार कौन है, ज्ञान है, ज्ञान का आधार कौन है, मुरली का आधार क्या, ब्रह्मा 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 का आधार कौन है, सवाल पैदा हुआ ना, जो बोला मेरे ख्याल में ये जो क्यों बाप है इसको भी आधार नहीं है, ब्रह्मा आधार है ना, क्यों बाप को आधार नहीं है, ब्रह्मा है, क्यों बाप खुद आधार है, आधार है उसके आधार नहीं है, उसके विषय में इतनी सब चलती नॉलेज चलिए वो बराबर नहीं है, एक मूल अगर निकल गएगी तो सब झाड़ नीचे निकल जाता है। अच्छा बीज नहीं है, मूल जो बोलती है मूलिया जो बोलती है वो अगर निकल गई उखड़ गई तो झाड़ पूरा गिर जाती है। बीज को आधार कहा जाता है, ये बातें ये जो है जरा कटी हुई बातें हैं, प्रैक्टिकली मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो उसके बारे में अगर मुझे क्यों बाबा को नहीं बताते होंगे क्यों बाप तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं बता रहे होंगे तो कोई बात नहीं है, मैं मेरा देख लूंगा कोई फर्क नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ अनिश्चय बुद्धि वाला हूँ, वो तो सब लोग कहेंगे, यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकलेगा जो आप ये कहे कि आप निश्चय बुद्धि है, मैं निश्चय बुद्धि वाला हूँ, इनमें से किसी से भी किसी से भी कहवा देंगे निश्चय बुद्धि वाला जरूर हूँ, अनिश्चय बुद्धि वाला जब बुद्धि का ताला खुल जाता है उसको अनिश्चय बुद्धि यानी रिसर्च कर रहा हूँ, कितने जब रिसर्च में कोई हेलो निष्पत्ति होती है उसको निश्चय बुद्धि हो जाए, इतने सब व्यक्ति जो बैठे सब बुद्धू है, सब बैठे हुए क्या हाथ है बुद्धू बनने का, अच्छे होंगे तो ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेरा सवाल गलत नहीं, बात है आपकी सुनने के बाद इनकी बुद्धि में ये बैठा है या नहीं बैठा कि आप निश्चय बुद्धि है या नहीं, मुझे मतलब नहीं है उनके बुद्धि में बैठा के नहीं, उसका मतलब नहीं मुझे, मैं क्या पा रहा हूँ इससे मतलब है। आपको इससे मतलब है तो आपकी जमात फिर दूसरी तैयार होगी, जमा कोई भी तैयार नहीं होने वाली, जमा यही रहेगी क्या इसमें ही रहेगा और इसमें रिसर्च मिलेगा क्या देखना है, आप इस जमात में टिक नहीं सकेंगे, बाबा क्या क्या सुना सकता है इस जमात में आप नहीं टिक सकेंगे, और क्या क्या बता सकता है ये देखना है, क्या देखना है अभी मुझे में और कोई कोई पॉइंट आता तो मैं खोज कर रहा हूँ ना, आगे नहीं कर सकते जब तक एक व्यक्ति अनिश्चय रूप में बैठा हुआ है, एक दो तीन खोज करने वालों को कभी अनिश्चय आप बाहर की दुनिया में जाके खोज करिए और हमें बताइए, बाहर की दुनिया मैं यहाँ आया हूँ, मैं जो यहाँ आया हूँ बीके में आया हूँ एडवांस में आया हूँ, क्यों आया हूँ मुझे कुछ कुछ बातें जची है इसलिए आया हूँ, लेकिन जो बातें जची नहीं है इसका सवाल नहीं करना, इसको तुम इसको अगर आप नीचे बुद्धि पूछोगे तो सवाल करना बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक बात पहले पकड़ी जाती है बाप का पहले पहले दो जिसको नॉलेज नहीं था उसको पता होता है ना निश्चय बुद्धि होगा, उसकी बातें आगे बढ़ते गई है उसकी बुद्धि का ताला खोलते गया तो अनिश्चय होगा है ना, या निश्चय अनिश्चय बोलो तो क्या होगा, ये संस्कार ही होगा ना, संस्कार होना बहुत जरूरी है ना, अगर बाप का परिचय आपको है तो आपको जो निश्चय पत्र आपने लिखा है आप उसे झूठा साबित नहीं करिए, मैं झूठा का साबित करो झूठा साबित नहीं करो, मैं सच की खोज हूँ कौन है ना, इसलिए तो कोई कर रहा है अजर है अजन्मा है क्या, ये तो समझ में आने की बात है, समझ में आने चाहिए इसके सवाल।
अगर हाल बिस्तर हो रहा होगा तो जवान बंद कर देगा, जवान बंद की जाएगी, वो अंदर से चक्कर चक्कर चलाता रहेगा, तो जवान चालू भी नहीं करने देते, जवान बंद भी नहीं करने देते, वो क्या करेंगे? जब यहाँ साबित हो चुका है कि आप अनित्य बुद्धि वाली बातें कर रहे हैं और आपने स्वयं स्वीकार कर लिया कि साकार में सृष्टि पर कोई भाव हमको नहीं मिला, पहले नित्य बुद्धि हुए थे, अभी हम नित्य बुद्धि नहीं है, तो जहाँ आपको बाप मिले वहाँ जाकर के समाधान करिए, जब आपका समाधान आ जाए तो हमारे सामने फिर आगे बैठ जाए, हम आपकी बात सुनेंगे। तो आप समाधान करने में क्या ऐसा होगा? आप कुछ भी समझिए, आपको दोबारा भक्ति करनी पड़ेगी और दोबारा जाकर के आपको नित्य पत्र लिखना, अभी आपकी इतनी सभा के अंदर नित्य पत्र कैंसिल हो गया। हमारी मर्जी नहीं, सबकी मर्जी है, अगर इनमें से कोई कह दे कि हमारी मर्जी नहीं, इनसे हमारा क्या तालुक है, इनसे हमारा कोई तालुक नहीं, आपका हमारे से भी कोई ताकत तालुक नहीं, हमारे आपका हमारा ज्ञान से तालुक है, ज्ञान अच्छी लगी, बात अच्छी लगी करके हमारे से आपका क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है, कैसा संबंध नहीं है, ज्ञान से संबंध है ना, ज्ञान मिला है तो संबंध है, बाप कौन है और बाप को आप मानते हैं या नहीं मानते? बाप को मानते हैं, और एक बाप की बात नहीं, तीन मूर्तियों को त्रिमूर्ति बाप को मानते हैं या नहीं? मानते हैं। कहाँ मानते हैं? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? सब मानते हैं, तीनों मारे मानते हैं, सुबह को मानते हैं, सुबह बाबा को मानते हैं, लेकिन कुछ सवाल आया है, कहाँ वो है? कहाँ? साकार में। कहाँ है साकार? साकार में शंकर के रूप में। कहाँ है? हमें भी बताइए ना, हम आपके पीछे पड़े हैं। हाँ, आपके पीछे पड़ने की जरूरत है ना, बाबा को बच्चे के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, बच्चा जाएगा आपके पीछे, आप हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? कैसे आपके आना है कि सवाल जवाब हम करना है? कैंसल होगा, ये कैंसल होगा, दोबारा भर्ती करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये तो गुस्सा है, ये बारह तो गुस्सा नहीं आता, कुछ नहीं नहीं आपने ऐसा बात है क्यों करेगी, आपको कैंसल होगा, आप भी आना होगा तो भर्ती में आना पड़ेगा, आपने सवाल क्यों बोला? वो रिकॉर्डिंग हो चुकी, उस रिकॉर्डिंग के अनुसार एडवांस की पार्टी में कोई ब्राह्मण परिवार के लिए कहते कि आप नित्य बुद्धि है तो आपकी बात मानेंगे? मुझे माने या नहीं माने से मुझे क्या असर पड़ने वाला है? तो बताते हैं बाहर हो गया, अभी दूसरा क्वेश्चन दे दो। नहीं कर सकता अब कुछ गायब हुई गई मेरी है, अब मेरी कुछ गई चले गए, आप मुझे यही कहा जब जितने बाप को जाना है जितने बाप को जाना है जो है ये दर्शन वाले बुद्धि चले गई, बुद्धि जाती नहीं, कहीं भी जाती नहीं है, बुद्धि जगह पे बाप को जाना है, वो बच्चा दिल जो बच्चा दिल का है, बच्चे दिल से सवाल करता है, उसकी आप क्या कह रहे हैं? आप नहीं क्या कह रहे हैं? ये लोग ये नहीं करना है, कैंसर होगा है, तीन बार होगा है, दो बार भर्ती करो, तीन बार भर्ती करो, ये तो क्या सुना मिले, ये तो आप भूखा कर रहे हैं, आप तो भूखा कभी नहीं करता है, आप भूखा कैसे कर रहे हैं? ये बुद्धि की बात नहीं है, ये बुद्धि की बात नहीं, सारे क्लास में हमारे पास क्यों नहीं छोड़ो, अभी आप दुनिया में चक्कर काटेंगे फिर नहीं काटेंगे, काटना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं काटेंगे, जात से नहीं काटेंगे, ये चालान नहीं है, ये आवाज नहीं है, लेकिन सच्चा दिल कहता है कि नहीं काटेंगे, सब अपने को कच्चा देखेंगे, सब ये कहते हैं, आपने कहते आपने कहते हम तो किसी बार ये नहीं कहा कि मेरा सच्चा दिल है, मैं शिव बाबा हूँ, आप कहते नहीं हुए, लेकिन दिल से तो मानते हैं ना, दिल से मानता हूँ, मैं भी दिल से मानता हूँ, इन तीन सब जो जो लोगों की जरूरत नहीं है, मैं भी दिल से मानता हूँ, क्या जो कुछ मानना है वो मैं ओपन जिसको क्यों बनाऊँ, मेरा ज्यादा रिजल्ट दूंगा, जिसको आप कहने के लिए राजी नहीं है, मैं कहने के लिए राजी क्यों हूँ, इसका मतलब आपसे मैं खिलाफ हूँ या आपसे झगड़ा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं अनसेटिस्फाइड हूँ, आप तो निश्चय पत्र लिख करके दिया आपने भी,
वो दिया है तो खाली बोल के लिए दे, कोई भी आया नया आदमी तो एकदम नीचे पत्र हो जाता है क्या, लिख लिए थे लेकिन नीचे किसी का नहीं होता है वहाँ कोर्ट होती में। अच्छा किसी का नहीं होता है, अगर सच्चे दिल से बोलते होंगे तो सब झूठे दिलवाने चाहिए। इसका मतलब झूठे दिल वाले नहीं होते हैं, कभी भी पढ़ाई पढ़े है तो पढ़ने को सीखना सीखता जो है वो पता पूरा सीखता नहीं है, किससे किससे सीखता है ये भट्टी माना सीखना है। हम वहाँ सीख लिए कुछ बातें चल गई है उसमें नीचे बुद्धि हो गई है, इसका मतलब 100% नीचे बुद्धि हुआ ऐसा नहीं होता है। आपके ऊपर नीचे बुद्धि हुई या नहीं, वहाँ पे नीचे बुद्धि अभी भी है, माँ पे भी है, बाबा पे भी है, कोर्ट पे भी है, सब कुछ आत्माओं पे भी है, ये भी पता है। तो हम तो नहीं आगे बढ़ेंगे जब तक ये शक्ति ये स्वीकार न कर ले, अभी उनके पत्र लिखकर के ना दे दे ये बात कौन है। सवाल अगर हम कर रहे हैं हमें तो उसका मतलब क्या रहेगा, किसे क्यों सवाल जवाब चाहिए, सवाल जवाब ऐसा देंगे जवाब दो ना, अगर मालूम होता था खड़े रह के जवाब दे देते सबसे सामने की ये चीज है, मालूम नहीं इसलिए तो सवाल करे और वो इसके लिए इतना बड़ा आगे करे क्या बोल करे ये करे वो करे ये मेरा कहना है किसी हालत में गुस्सा नहीं करना चाहिए, सवाल का जवाब देना नहीं आता होगा नहीं बोलो वो बात आदत है मैं खामोश बैठ जाऊंगा, मैं नहीं कुछ लेकिन जानवर करके दूसरा कुछ बातें करके नीचे कुछ बनाए तो मुर्गी का एक बाकी का जवाब चाहिए, अरे कौन है उसके बाद ही हम आगे बढ़ते अब जो ज्ञान दिए उसमें आदित्य को खड़ा रहता है, आदि अंत और मध्य में खड़ा रहता है वो आदित्य, जो नित्य बुद्धि रहता है वो खड़ा रहता है। काम गिर गए आप खुद कह रहे हैं हमें पता ही नहीं भारत का पता नहीं, अरे उसकी खोज करना इसका मतलब उसका पता नहीं है ऐसा क्या होंगे, खोज कर रहे मैंने पता नहीं है ना, पता नहीं है बोलते जो पता पहले दिए थे वो पता सही मालूम नहीं हुआ, सही पता पूछ रहे हैं सही पता कहाँ है वो, तो आपको नहीं पता है ना, नहीं पता है अभी अभी नहीं पता है, जब कोर्स करा उसको पता था ये नॉलेज ही नहीं था ना, अभी नॉलेज बढ़ गया से दुनिया का ताला खुलने से अभी सवाल पड़ रहा होगा, सवाल कुछ ना कोई दुनिया का ही नहीं, जब आपको पता पड़ जाए तब आदत की बैठिए नहीं, मतलब मुझे पूरी बात करो, पूरी बात है मुझे पूरी बात करो कि क्या कहना है, यही जब आपको अनंत का पता पड़ जाए आप दोबारा निश्चय बुद्धि बनकर एग्जाम पेपर पर कोर्ट के सामने निश्चय पत्र लिखे तब आप क्या आएंगे जब तक नहीं ठीक है आपकी मत, मैं तो करने वाला नहीं, निश्चय बुद्धि का लिखे कौन भाई सब कुछ देने वाला नहीं, आप कुछ भी समझे और मैं आने वाला भी नहीं, आपकी इजाजत नहीं है मैं आने वाला नहीं, आप इजाजत देते नहीं तो मैं क्या काम हूँ, जबरदस्ती हूँ क्लास आपका स्वागत करते होंगे तो मैं आऊँगा, आपका स्वागत नहीं होगा तो मैं क्या काम हूँ, क्लास कंट्रोल अरे अतिथि देवो जो पहचान का नहीं हुआ है तो देव भाव होते हैं, हम तो पहचान के बच्चे हैं आपके बच्चे बन गए हैं, और बच्चे को क्या करके हकल देता है बाबू आपके, हाँ आप बाबा है ना हमारे आपके, अरे बाप आपके नहीं बोल रहे कुछ बोलता है कुछ खाना नहीं है उसे, उसकी गुनेगारी करेगी आना नहीं है, गुनेगारी तो कुछ नहीं कर रहा हमारा, उसकी पहचान बताएगी हाँ दो दो बातें करेगा, हमारा कोई बाप नहीं, हमने बाप को पहचाना नहीं, कोई अलग नहीं है, हम तो रिसर्च कर रहे हैं खोज कर रहे हैं कि बाप कौन है, आप ये भूत बोल रहा है ये ओरिजिनल आत्मा बोल रही है, आप कुछ भी करो आप दोनों वहाँ देगा दोनों बातें करना मेरे भूत है, अंतिम बात मुझे ये मालूम हो गई कि आप सवाल का जवाब दे नहीं सकते, कोई बात नहीं है आपकी खाए के मैं नहीं आना है नहीं आऊँगा, आप टाइम पेपर पे जो होते टाइम पेपर पे आने वाला नहीं है, भर्ती करने वाला भी नहीं है आने वाला है, अब आपसे सारा एग्जाम पेपर पर लिखाने जाने वाला नहीं है, आपको नोटरी के सामने ही लिखना पड़ेगा, मैं लिखूंगा ही ना, सवाल ही पैदा नहीं होता है उसका, लिखूंगा ब्रह्मा कुमार कुमारी मेरे कौन से जन्म है क्या है मैं देख लूंगा, ये बहुत से ब्रह्मा कुमार कुमारी कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन मैं एडवांस प्राइस में नहीं बात करे, मेरा काम है सुनना मैं सुन लूंगा लेकिन आगे और शिवराज का कहना है कि एक एक मनुष्य आत्मा को जरूर ले जाऊंगा, जबरदस्ती के लिए लेने में मतलब नहीं है, आधी खुशी से लेके जाने में बड़प्पन है, जबरदस्ती को कोई गुंडा भी लेके जाता है जबरदस्ती, क्या काम का गुंडा और भगवान में क्या फर्क है, धर्मराज गुंडू का ही बाप है वो बात अच्छी है क्या बोला ना मेरे को,
धर्मराज गुंडों का बाप है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। गुरु के बीच में लड़ना नहीं चाहिए। बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज बोले तो कौन है जो आपको पकड़ के लाए? लगा देंगे, ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे धर्मराज? लगा देंगे, इससे ज्यादा क्या करेगा? इससे ज्यादा उसकी लिमिट नहीं है, सजा से ज्यादा लिमिट नहीं है। अरे मेरी सहन शक्ति ज्यादा है, मैं सजा बर्दाश्त कर लूँ। जो पक्के पाप करने वाले होते हैं वो सजा से डरते हैं क्या? कुछ भी बोलो, क्या बोले कि बहस हो रहा है, मुझे बहस नहीं करना है। आप कुछ भी बोले, कुछ भी समझे, मुझे बात समझ में आया। आप कुछ बात नहीं बोलिए, मुझे सब दिन साठ में समझ में आया। आप सवाल का जवाब दे नहीं सकते, आप गुस्सा करे है और शाप भी दिए है, नहीं आना, भट्टी नहीं करना, नहीं ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, धमकी वाला हो सकते। कोई भी धमकी को मानने वाला नहीं हूँ। कोई भी व्यक्ति मुख से नहीं बोलेगा, शक्ति से भी नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर अंदर तो संकल्प चलाएगा। और अंदर जब तक संकल्प करेंगे तब तक वो संगठन में विरोधाभास पैदा करेगा। ज्यादा सख्त दुश्मन होगा या साधारण दुश्मन होगा? मुझे दुश्मन भी बनना नहीं, मुझे सादा ही होना नहीं, मुझे डिस्टर्ब भी होना नहीं। आज जो सब डिस्टर्ब हुआ सबका मैं सार्वजनिक से माफी मांगता हूँ। डिस्टर्ब क्यों? आरोपी नहीं हूँ जिक्के देने के लिए। अरे आरोपी भी है, पिंजरे में बैठा तो उसको फाइन नहीं होता है। जब तक आरोप आरोपी चित्त नहीं होता है, आरोप चित्त नहीं होता जब तक फाइन नहीं होता। जो मुख लेके क्यों जो मुख से कहते हैं वो लिख के देते हैं क्या? बाकी को सुनने नहीं आता, कहना नहीं है। आपने कहा नहीं, मैं जितना नहीं, माफी मांगता हूँ नहीं है। आप माफी मांगता नहीं है, माफी मांगता हूँ। माफी मांगने से क्या होता है? खाली माफी मांगने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मानना जरूरी है, क्योंकि डिस्टर्ब हुआ ना सबको, बहुत बड़ी दुख हुआ ना सबको, सवाल करेंगे इसका दुख हुआ ना, सवाल करेंगे दुख हुआ, खोज करेंगे दुख हुआ, डबल डबल पॉइंट वो बोल रहे हो सर, डिस्टर्ब हो रहे हैं वो मानने को तैयार नहीं है। अच्छा तुम चलो, तुम चलो बाप मानने नहीं है। अच्छा चल तो मैं चल तो मैं कोई बात नहीं है, मैं चलता हूँ, चलता हूँ, धक्के देने की जरूरत नहीं है, खुद ही चलता नहीं रहा हूँ, मैं जाता हूँ, चलता हूँ, मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं। तो भाई ये आखिरी है, चलो आखिरी मैं चलता हूँ। 5.5 करोड़ आठ मत एक हाथ मत चलेगी तो राम वाली आत्मा उतनी श्याम नहीं बनती। अगर उतनी श्याम बनी होती तो मनन चिंतन मंथन सबसे पहले करती क्या? सबसे पहले मनन चिंतन मंथन थोड़ी आत्मा बनी होगी तो करेगी, या एकदम काली होगी तो करेगी। हाँ थोड़ी कुछ न कुछ घोड़ापन था तो मन चिंतन मंथन हुआ। अगर एकदम काली होती जैसे चंद्रमा अमावस्या के दिन बिल्कुल काला हो जाता है तो मंथन करने की बात होती। इसलिए मुरली में बोला अभी ये नया पॉइंट आया क्या, सबसे जो गोरा कौन बनता है और सबसे काला भी बनता है? दूसरी किसी आत्मा को इतना श्याम और इतना सुंदर कंट्रास्ट मिल गया। शरीर तो एक ही होना चाहिए, वो तो है। बाप दादा का शरीर एक है या अलग अलग है? एक ही है। ग्रस्त की माता ने मुर्दा बनना चाहिए, ग्रस्त की माताओं को माताओं को।
गीते जी मरेंगे, मुर्दा माने मरना, मुर्दा माने मरना, और पुरुष जी को टाइटल क्या मिला हुआ दुर्योधन प्रशासन। दुर्योधन का मतलब नहीं मालूम शायद आपको, दुर्योधन का क्या मतलब होता है? दुख युद्ध दूसरे युद्ध करने वाला माने, जैसे सामान्य रूप से युद्ध होना चाहिए नियमानुकूल वैसे नहीं, नियम हो या नियम को तोड़ना हो युद्ध करेंगे, उनको कहा जाता है दुर्योधन। तो पुरुष दुर्योधन से बदल करके मुर्दा माने जीते जी मरे हुए बन सकते हैं, बन सकते हैं कि पहले माताओं को ही मरना पड़ेगा। इसलिए सड़क का गेट खोलने की चाबी माताओं को दी है या पुरुषों को दी है? क्यों दी है माताओं को? अगर पुरुष भी जीते जी मर जाए देह भान से कन्या माताओं के मुकाबले, तो पुरुषों को भी जाना मिलेगी। ये तो शिव बाबा के साथ बड़ी भारी लड़ाई है, पार्टी क्यों करते हैं? पार्टी करने का कोई कारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कारण है पांडव तो ऊंची स्टेज में कर रहे हैं लेकिन हड्डिया नीचे रहे, द्रौपदी को नीचे बता दिया। एक ही पांडव ऊंची स्टेज में गया, बाकी सब गल मरे, तुमने गर्व पड़ा है। वो कैटेगरी है पांडवों की, ऐसे नहीं एक ही युद्ध स्थित था। आज से लेकर के अंत तक जो माया का युद्ध है वो बढ़ता रहेगा या कम हो जाएगा? बढ़ता ही रहेगा। 500, 600, 700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो एक जन्म के लिए सुखरूपी स्वर्ग में ना जावे। तो गेट वे टू हेवन इज क्या बोला? महाभारत युद्ध से अगर कोई पतार नहीं होता है तो वो स्वर्ग के गेट में प्रवेश ही नहीं करते, चाहे वो एक जन्म का ही स्वर्ग क्यों न मिले। इसलिए युधिष्ठिर जैसी क्वालिटी की जो भी आत्माएं आज से अंत तक युद्ध में स्थिर रहेंगी, अपना नाम सार्थक कहेंगे करेंगे, वो ही जीते जी स्वर्ग में जाएंगे, बाकी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, उनका शरीर छूट जाएगा, क्योंकि देवराज को पूरा गलाए नहीं सकेंगे। अब अभी जो 26 तारीख को बॉम्बे में जो है दहशतवाद या बम जैसे शमशान घाट में जाते हैं थोड़े समय के लिए बैराग आता है, घर आए दो चार दिन के बाद फिर बैराग खत्म। ऐसे ये छुटपुट शूटिंग होती रहती है, रिहर्सल होता रहता है और बढ़ता रहेगा। दिल्ली में भी बम ब्लास्ट हो रहे हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी की छुट कुछ हो रहा है। अभी और आगे तीव्रता बढ़ेगी, नहीं तो बॉम्बे नाम क्यों पड़ा? नाम पड़ा है ना, तो काम करेगा। जबरदस्त ग्लानी के बॉम्ब फटेंगे। अभी आत्मा यहाँ पे गई है तो क्या समझते हैं ये ग्लानी नहीं करेगी?
है सर, जबरदस्त बम फोड़ेगी। माया बाप को पहचानती नहीं और बच्चों को पहचानने नहीं देती। फिर बोला है कि जो मेरी श्रीमंत पर नहीं चलते उनको माया रहती तुम खूब करता हूँ। तो ये कब लागू होगा? अभी लागू हो रहा है, अभी तक पहचानती नहीं ना। शिव बाप की मुख्य श्रीमत क्या है? पवित्र है ना। हाँ, तो इस पवित्रता के विरुद्ध को जो तोड़ने वाले हैं, एडवांस की आत्माएं ज्यादा है या विजयमाला की आत्माएं ज्यादा है? तो माया उनके तो उनको बाबा ने इतनी नहीं कर दिया माया को, माया उनको तुम खूब मत लाओ। तो वो पहचानती नहीं तो वो श्रीमत से कैसे चले? वो जो पहचानती नहीं है तो वो श्रीमत से कैसे चले? अगर पहचानती नहीं होती तो पहले पहले सरेंडर कैसे हो जाती? इसलिए शास्त्रों में भी गाय है, रावण राम को भगवान के रूप में पहचानता था या नहीं पहचानता था? तो माया भी पहचानती है, लेकिन हट योगी है, हट पकड़ ली कि अगर भगवान है तो फिर युद्ध करे। बाबा, इस्लाम में इतने विविचारी थे, इस्लामी विविचारी थे, इस्लाम धर्म वाले ज्ञान में, हाँ तो ज्ञान में विविचारी थे, वो धर्म ही विविचार से है, इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म का जन्म जो है वो विविचार से शुरुआत। हाँ, तो फिर इतने पावरफुल कैसे बने? क्या जो असुर होते हैं वो पावरफुल नहीं होते? असुर जो विविचारी होते हैं वो पावरफुल नहीं होते? होते हैं या नहीं होते? ये तो कोई नई बात नहीं है, असुर ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। पाप भी बहुत करते हैं, देवता है। विविचारी का मतलब सबसे बड़ा पाप ही ये है, विकारी बनना, विपरीत कृति करना। तो वर्षा भी उनको ये सब चीज जाति मिलता है ना? है? भगवान का वर्षा भी है मुसलमानों को ही ज्यादा मिलता है। विधर्मियों के लिए जो विपरीत देशी आत्माएं हैं, विधर्मी आत्माएं हैं, उनके बीच में इस्लामियों को सबसे जाति बरकर है। तो जरूर तपस्या जारी चलेगी ना। आज की मुझे बताया कि कृष्ण ही बाप से सबसे जाति बिछड़ता है, और तुम बच्चे बाप, तुम बच्चे बाप के सन्मुख हो। तो सन्मुख रहने वाले बाप समान नहीं बनते, और कृष्ण बाप समान किए गए। ये भी तो लगन है, बार बार नीचे गिरने के बावजूद भी साइकिल पर चढ़ के बैठ जाना और चलाने लग पड़ना, ये नित्य बुद्धि की निशानी है, अनित्य बुद्धि की निशानी है। तो ऐसे कृष्ण की आत्मा बार बार नीचे गिर रही है, बार बार मोह में आ रही है, बार बार उनकी ब्राह्मणों के पास जा रही है, कच्चे ब्राह्मणों के पास, फिर भी इधर आ रही है या नहीं आ रही है? ऐसे तो नहीं कह रही है। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे की आज किसी से लड़ाई हो जाए तो वो लड़ाई जिंदगी भर याद रखेगा बच्चा, या थोड़े दिन बाद भूल जाता है? भूल जाता है। ऐसे ही दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में सबसे जाति बच्चा बुद्धि आत्मा कौन है? कृष्ण की आत्मा महात्मा है, बैर वहां पकड़ के नहीं करती। ये अभी क्या हुआ? पकड़ के रख लिया है, देखे हम कौन सा भगवान है जो हमको मोल कर लेता है। मेरे ख्याल से इसको मेरी त्रिभुति में बाप को ले, बाप को ले, राम और कृष्ण की सोच या शंकर का क्या पाठ है वही उनके समझ में आप। तो नित्य पत्र क्यों लिख दिया? कोई जबरदस्ती जोड़े ही नित्य पत्र लिखने चाहिए। नहीं, वो हम स्वीकार भी कर रहे हैं, यहाँ देखने के लिए आए थे, रिसर्च करने के लिए आए थे, यहाँ की क्लास में हम रिसर्च करने के लिए बैठे हैं। कारण क्या होता है? उनको शुरुआत से ही नित्य नहीं, ऐसे ही लिख दिया कि भर्ती करनी थी, हर बात कोई बात नहीं, और भी निकलेंगे।
लेकिन यहाँ तो संगठन पवित्र बनेगा बिना एक जैसा बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। हंसों के बीच में बगुले छिप नहीं सकेंगे। क्लास में जो बीच बीच में मोबाइल बजता रहता है और लोगों बोलते हैं फिर कोई रखते नहीं, तो इसका क्या करना है? दिल्ली में जमा करवाते हैं, क्लास में नहीं रखते लोग, तो यहाँ भी थोड़ा देख रहे हैं। अगर बार बार ऐसे होता है तो यहाँ भी जमा कराना शुरू कर देंगे। क्योंकि आप आवाज उठा रहे बाबा को तो कोई बस नहीं पड़ता। बाबा एक मुर्गी ना कुबेर का खजाना है, अभी कुबेर भी मौजूद है, है कुबेर का खजाना भी मौजूद है, है फिर भी भारत पाई पाई के लिए मौता है। ये इसका तो कुबेर का खजाना, कुबेर बनाने वाला कौन है? कोई कुबेर को कुबेर बनाने वाला है या नहीं है? है, है। पहचाना है तो जिन्होंने नहीं पहचाना वो मोहताज होंगे या सरकार होंगे? मोहताज है। लौकिक ब्राह्मण और अभी अलौकिक ब्राह्मण मंदिर है, उसका कुछ बेनिफिट मिलता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर पाठचारी जगदम्बा पाठचारी आखिरी जन्म में भी क्या है? ब्राह्मण। खासियत रही होगी ना, कोई खासियत रही होगी ना ब्राह्मणों की? मुंह की खासियत बाबा ने क्या बताई? बाबा ने ब्राह्मण की कोई परिभाषा बताई है नहीं? क्या रही? माना 84 जन्मों में जिन आत्माओं ने सबसे जास्ती प्योरिटी को मेंटेन किया है वो पक्के ब्राह्मण, उन आत्माओं को कहेंगे, जीवात्मा की बात नहीं। तो चार आत्माएं ऐसी हैं जो पक्का ब्राह्मण, आखिरी जन्म में भी उनके वो संस्कार रहते हैं इस बात के ब्राह्मण, इसलिए आखिरी जन्म में भी ब्राह्मण है। ये बात सबके लिए लागू, सबके लिए आपके व्यक्ति के आधार पर लागू होगी। पिछले क्लास में बोला गया था गवर्नमेंट ने दो जहाज खरीदी की है 4 करोड़ के, बॉम्ब आदि रखे हैं तो वो बॉम्ब काम नहीं आए, तो बिल्कुल से दो जहाज है। ये बाप दादा ये बड़े से बड़े जहाज हैं या नहीं है? तो उसमें कोई कर चार जहाज करें पार्लर भूल सकल संसार, ये बोला कि नहीं? सच्ची बात वही बोला। तो ये ऐसे जहाज हैं जिनमें बड़े बड़े बॉम्ब रखे हुए हैं, लेकिन ये युद्ध नहीं करेंगे अंत समय में, युद्ध बच्चे करेंगे या बाप दादा युद्ध करेंगे? बाप दादा तो अभी भी युद्ध कर रहे हैं, शुरुआत से लेकर के अंत तक बाबा के ऊपर ही सारी जिम्मेवारी, रामकृष्ण की आत्माएं ही युद्ध कर रही है, बच्चे थोड़े युद्ध कर रहे हैं। 3 पायलट पृथ्वी के बच्चों को नहीं मिल रहे हैं या बाप दादा को नहीं मिल रहे हैं? बाप दादा को नहीं मिल रहे हैं। पीछे से भी बोल रहे हैं, एक चांस मिल रहा है। जो चित्र है वो भारत के जनों की कहानी है, तो इसमें जो बैकुंठ सिखाया है और जो संग ड्रामा दिखाया है ये बाहर क्यों दिखाया है? ये बाहर क्यों दिखाया? ये 84 जन्मों के अंदर है कि बाहर है? शूटिंग होती है, लेकिन ये
84 जन्मों के अंदर है या बाहर है? जो है जो सीढ़ी के बाहर दिखाया गया है, सीढ़ी के बाहर जो कंधों में भी स्वर्ग दिखाया गया है, स्वर्ण संगों में भी स्वर्ग है, वो 84 जन्मों के अंदर गिना जाएगा या बाहर गिना जाएगा? ले लीजिए बात दो फिर आगे बढ़े। एक्स्ट्रा आयुर्वेदिक जन्म कोई कहा है या नहीं कहा है? तो बस जो एक्स्ट्रा आयुर्वेदिक जन्म है प्रजापिता का, वो 84 में जन्म भी है और पहला जन्म भी है। नहीं तो प्रजापिता की 84 का जन्म तो 36 में ही पूरा हो गया या नहीं पूरा हुआ? हो गया, लेकिन 100 साल पूरे नहीं हुए। 76 के बाद जब दोबारा बाप प्रत्यक्ष होता है, उसके बाद जब निश्चय बुद्धि बनता है अटल, तब कहेंगे कि वो मृत्यु को नहीं पाता, देह की मृत्यु नहीं होती, इसलिए वो एक्स्ट्रा आयुनरी जन्म है। और गंदी गली आत्माएं हैं जिनकी बुद्धि में बाप का आर्डिनेंस बुद्धि में फिट ही नहीं हो रहा है। क्या क्या है? पवित्र दृष्टि, पवित्र दृष्टि, वृत्ति, वाचा, कर्मेंद्रिया अब भी विचारी बनाओ। 70 साल हो गए अब नहीं बुझी हुई बैठ रहा, हो सकता है 2-4 साल और भी गुजर जाए, तो आखिर कोई लिमिट होगी या नहीं होगी? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो लिमिट जब पूरी हो जाएगी तो आर्डिनेंस प्रैक्टिकल में लागू करेंगे या नहीं करेंगे? बाबा के लिटरेचर के अलावा मुझलों में जैसे बहनों ने नए नए पॉइंट खा के रखे हुए हैं, तो वो क्या लोग करने की जगह से क्या बाबा का लिटरेचर कोई भी पॉइंट हो, कोई भी लिटरेचर हो, उसको वेरीफाई तो होना चाहिए। वेरीफाई होगा तो बाबा साइन हम लोग हर एक लिटरेचर पर साइन वही होते हैं, बताया जाता है ये बाबा का पास किया हुआ है, ये बाबा का पास किया हुआ नहीं है। ये बाबा का लिटरेचर पास किया हुआ नहीं होगा, वो थोड़े समय तक चोरी चोरी चलेगा या आज तक चलता ही रहेगा? बाबा की नजर में नहीं आएगा, थोड़े समय तक चलेगा, बाबा की नजर पड़ेगी तो बंद करवा देंगे। बंद हुआ भी है, दिल्ली में ढेर सारे टीचर ऐसा निकला जो बाबा का पास किया हुआ नहीं था लेकिन बेचा जा रहा था, उसके पैसे भी छपाने वाले के पास जा रहे थे, जब पता पड़ गया तो बंद कर दी। नहीं ये छपा हुआ नहीं, ये तो इतना तो अरे वो प्रिंट किया हुआ कंप्यूटर से प्रिंट आया तो भी छपाई हुआ कहा जाता है। ब्राह्मण का लाली करके भी और गालियाँ खाके भी भाग्य देखा होंगे, लाली लाली करके भी और गालियाँ खाके भी उसका भाग्य कैसा होंगे? लाली करे भी और गालियाँ भी खाए, हाँ तो उसका भाग्य कैसा? माने गालियाँ दे भी और गालियाँ खाए भी, तो बराबर हो जाए। गालियाँ दी तो माइनस हुआ और दूसरों ने ग्लानी की ईश्वरी ज्ञान की या बाप की या ब्राह्मणों की और उसको सहन कर लिया तो प्लस भी हो जाए, प्लस भी बराबर हुआ माइनस भी बराबर हुआ तो बचेगा क्या?